विश्व हिंदू परिषद में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी को सर काटने की धमकी दी जाती है तो मदद के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 9457553339 पर कॉल कर सकता है। कॉल आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता पीड़ित से संपर्क करेंगे, उससे मुलाकात भी करेंगे, जरूरत पड़ने पर अपने साथ थाने लेकर जाएंगे, पीड़ित का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद महाराष्ट्र उदयपुर में लोगों की जिहादियों द्वारा हत्या कर दी गई और भी लोगों को इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद लोगों की मदद के लिए काम करेगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला स्तर पर लीगल सेल का गठन भी किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के ब्रज प्रांत अध्यक्ष और प्रांत सहमंत्री ने कहा कि ISIS के इशारे पर जिहादियों द्वारा देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा, सरकार और प्रशासन की मदद से लोगों को न्याय दिलवाने का काम करेगा। किस तरीके से मदद करेगा, किस तरीके से काम करेगा, क्या? मैं व्याख्या करता हूँ उसकी। एक एक हिंदू समाज की किसी एक व्यक्ति को जब इस प्रकार का कोई धमकी भरा फोन मिलता है तो वो थोड़ा असहाय हो जाता है, उसे ठीक से समझ में नहीं आता है तो उसे कैसे अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए। तो एक सेतु का काम करने वाली है विश्व हिंदू परिषद, संगठन का कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा होगा। हमारा विधि प्रकोष्ठ जो जिला स्तर पर जिसमें एडवोकेट भी हैं जो उसे ये बताएंगे कि विधिक रूप से ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए। तो एक सेतु का काम करने वाली है कि उस कार्यकर्ता जिसे वो धमकी किसी से मिली है किसी सामाजिक तत्व से और अपने पुलिस प्रशासन के मध्य, इतना सा काम है। केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी की सरकार है, उसके बाद भी देखिए सरकारों के पास अपने काम है, लेकिन क्या काम है ऐसा है क्या सरकार से बड़ी हो गई है? नहीं, जो समाज सेवा है वो सरकार के काम से एलिमिनेट नहीं हो जाती। इस देश की इस देश के कल में है समाज सेवा, ऐसा नहीं है कि समाज सेवी संगठन अच्छी सरकार आने पे समाप्त हो जाएंगे। समाज के भी संगठनों का वर्चस्व तो हमेशा रहना है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकारें जो काम कर रही हैं हम जो उन्हें जानकारी देंगे जो समाज से जुड़ के उसके ऊपर वो आगे की कार्रवाई तो उन्हें करनी है, आगे की कार्रवाई हमें नहीं करनी है। को अगर धमकी मिलती है तो वो उसकी मदद कौन करेगा? पुलिस करेगा, विश्व पुलिस प्रशासन करेगा। हम एक सेतु के रूप में उसे विधिक रूप में क्या चाहिए ऐसी मदद करेंगे, उसे पुलिस प्रशासन से मिलवाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करने जा रहे हैं जो हम सीधे उसकी सहायता करें, हम एक सेतु के रूप में उसे प्रशासन से और पुलिस से मिलवाएंगे। तो ये तो सरकार भी कहती है उसके लिए इतनी बड़ी 112 तमाम सारे नंबर से लोगों की मदद के लिए, फिर भी एक हिंदू असहाय फील करता है जब अचानक से किसी को ऐसी आपराधिक धमकियां मिलती हैं तो काफी अकेला सा काफी भयभीत भी हो जाता है। ऐसे अवस्था में संगठन के 10 कार्यकर्ता खड़े होकर उसका मार्गदर्शन भी करेंगे, उसे संबल भी देंगे। आप कह रहे हैं कि हिंदू भयभीत हो जाता है, एक मुस्लिम संगठन का हिंदू का मंगा एक कार्यकर्ता जिसे ऐसी धमकी मिलती है किसी राष्ट्रविरोधी तत्व से तो वो भयभीत हो सकता है। मंगलम सिल्क साड़ी एक प्राचीनतम साड़ी प्रतिष्ठान, हमारे यहाँ उपलब्ध सभी प्रकार के लहंगा ओढ़नी बनारसी सिल्क साड़ी की बेहतरीन रेंज एवं डिजाइनर साड़ियाँ, आपकी वैवाहिक तैयारियों की संपूर्ण साड़ी रेंज। तो आज ही आइए मंगलम सिल्क साड़ी पूजा मार्केट तिलक द्वार मथुरा।